please subscribe and press the bell icon for more content. Hi everyone, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर. दोस्तों आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का लेसन 3 पर है. अभी तक आप लोगों ने लेसन 2 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहां से आप जाकर देख सकते हो. अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का कंप्लीट लेसन वाइज वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक है दोस्तों, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वीडियो का लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हो. तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के लेसन के तरफ. दोस्तों पिछले वीडियो पर यानी कि लेसन 2 पर हम लोग ने सीखा था इंसर्ट यानी कि होम मेनू कंप्लीट रूप में सीखा था. दोस्तों आज के टॉपिक पर मैं इंसर्ट मेनू पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर सब कुछ इंसर्ट मेनू का कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं. दोस्तों आप जाकर देख सकते हो. यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेनू का शेप्स पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस है दोस्तों. मैंने वो भी पिछले वीडियो पर यानी कि लेसन 1 का वीडियो पर सब कुछ मैंने आप लोगों को बता चुका हूं. दोस्तों अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन पर लिंक है, जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक है दोस्तों, वहां से आप जाकर देख सकते हो. दोस्तों बढ़ते आज के लेसन की तरफ. आज के लेसन पर हम लोग डिजाइन ट्रांजेक्शन यानी कि मैं आज दो टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, डिजाइन और ट्रांजेक्शन. आने वाले वीडियो पर मैं एनिमेशन और स्लाइड शो कवर करूंगा दोस्तों. आज के वीडियो पर यानी कि लेसन 3 का वीडियो पर डिजाइन और एनिमेशन टैब में आज कंप्लीट आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों. तो यहाँ पर देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2019 यूज कर रहा हूँ. अगर आप लोगों को पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है भी तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर काम कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको डिजाइन यूज करने के लिए कुछ यहाँ पर आपको स्लाइड होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं स्लाइड निकालूंगा होम पर जाकर. यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड, आपका जो साइज स्लाइड पसंद है आप निकाल सकते हो. इस तरीके से मैं फिलहाल के लिए ये वाला स्लाइड यहाँ पर निकाल लेता हूँ. निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ मैंने इस वाले स्लाइड को आप चाहे तो यहाँ पर कुछ टाइटल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी टाइप कर सकते हो. आपको जो भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने के लिए टेक्स्ट है आप टाइप कर लीजिए. मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ एड रियल टेक. तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट टाइप कर चुका हूँ. अब मैं यहाँ पर सॉफ्ट टाइटल दूंगा. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने टाइटल दिया एड रियल टेक. मैंने यहाँ पर सॉफ्ट टाइटल दिया अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर ई लर्निंग, कुछ इस तरीके से मैंने दिया है. अब मैं दूसरा स्लाइड पर जाऊंगा दोस्तों. मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों डिजाइन और ट्रांजेक्शन ये किस तरीके से यूज करेंगे आपका एनिमेशन पर. मैं यहाँ पर आपको ये दो बात आज के टॉपिक पर बताऊंगा दोस्तों. ध्यान से देखिए, वीडियो का कंप्लीट देखिए दोस्तों. तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्लाइड 2 के अंदर. तो यहाँ पर आपको जो टाइटल है, अदरवाइज आपको इसको डिलीट करते हो. यहाँ पर देखिए डिलीट स्लाइड है, राइट क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा. कट का स्लाइड है, न्यू स्लाइड आप चाहते हैं यहाँ से न्यू स्लाइड भी ले सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो इस स्लाइड का, डिलीट कर सकते हो, ऐड सेक्शन कर सकते हो. मैंने पिछले वीडियो पर कंप्लीट ये सब आपको बता चुका हूँ दोस्तों. तो मैं यहाँ पर आपको इस स्लाइड को डिलीट करना चाहूँगा और मैं यहाँ पर एक और स्लाइड लूँगा इसके नीचे. तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक स्लाइड लेना चाहूँगा, लाइक ये तरीके का. यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कुछ एक टाइटल दूंगा यानी कि कंप्यूटर कोर्स का टाइटल दूंगा दोस्तों. मैं आपको एनिमेशन किस तरीके से करेंगे यानी कि डिजाइन और ट्रांजेक्शन किस तरीके से यूज करेंगे मैं आपको वही आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों. तो सिंपल है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं. आने वाले टाइम पर मैं ढेर सारा एनिमेशन का वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, शेप्स अच्छे अच्छे शेप्स बनाकर उस पर किस तरीके से एक एक एनिमेशन एक एक ट्रांजेक्शन किस तरीके से यूज करेंगे सब कुछ मैं आने वाले वीडियो पर बताऊँगा दोस्तों. कंप्लीट एनिमेशन का ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा, सीरीज वाइज यानी कि लेसन वाइज लेकर आऊँगा. आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों. तो यहाँ पर देखिए मैंने कंप्यूटर कोर्स टाइप किया है, मैं इसको बाद में चेंज करूँगा. आपको जो भी कंप्यूटर कोर्स वगैरह है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक बुलेट्स लगा लेता हूँ. यहाँ पर देखिए ये भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वीडियो पर सब कुछ बता चुका हूँ या फिर मैंने लेसन 1 पर सब कुछ बता चुका हूँ दोस्तों. लेसन 2 का वीडियो पर अभी जाकर देख लीजिए. और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, टाइप करता हूँ
अकाउंटिंग पैकेज, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है दोस्तों। आप चाहे तो जो भी आपके पास है आप टाइप कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आपके पास जो पिक्चर्स है आप यहाँ पर लगा सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। मैं फिलहाल के लिए ये वाला पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसको मैं सेंटर अलाइजमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेता हूँ, आपको जो फॉन्ट वगैरह पसंद है ढेर सारा फॉन्ट अवेलेबल है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यहाँ से सेंटर अलाइजमेंट इस तरीके से कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं है। टॉप सेंटर इस तरीके से 2-3 कॉलम्स, आप चाहे तो यहाँ से कॉलम वगैरह भी ऐड कर सकते हो, इसको आप छोटा करते हो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हो। आप चाहे तो इसका भी फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं है। तो इसको फॉन्ट वगैरह आपको थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पर एक टाइप किया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूँगा ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन वगैरह आपको बनाने हैं, यानी कि आप यहाँ पर किसी भी शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हो, यानी कि शेप्स पर क्लिक करते हैं। मैंने पिछले वीडियो पर सब कुछ बता चुका हूँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वीडियो पर शेप किस तरीके से यूज़ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, इसको आउटलाइन रिमूव कर सकते हो, इसको सेंड बैकवर्ड कर सकते हो ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा, और इसको सेंट्रलाइजमेंट करना चाहोगे भी इस तरीके से सेंट्रलाइजमेंट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से एक टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है दोस्तों, आपको इस तरीके से दो को सेलेक्ट करते हो यहाँ पर आपको सेट कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पर भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए ये ऑप्शन यूज़ नहीं करूँगा, डिलीट करूँगा, आपको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों डिज़ाइन किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये सारी डिज़ाइन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्लाइड करूँगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ढेर सारे डिज़ाइन का ऑप्शन है। आप चाहे तो जो भी यहाँ पर आपको जो पसंद है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, सेंट्रल अलाइजमेंट कर सकते हो, आप चाहे तो इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं है। आप इसको सेंटर पर रख सकते हो मिडल के जगह इस तरीके से, आप चाहे तो और चेंजेस कर सकते हो, आपको इस तरीके का पसंद है तो भी आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इस वाले को आप यहाँ पर सेंटर करते हुए इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से टाइप किया है, तो यहाँ पर मैंने लिया है और इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर कुछ एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो सेट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से मैंने स्लाइड लिया है। आप चाहे तो इसको कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको जो कलर पसंद है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिया हुआ यूज़ कर सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला आपको जो पसंद है आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करते इसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगा तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको भी ऊपर रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको डिज़ाइन चेंज हो रहा है, इसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर आपके पास लोगो वगैरह है तो भी आप ऐड कर सकते हो, आपका कंपनीज का लोगो वगैरह जो भी है आप ऐड कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए पिक्चर्स के अंदर क्लिक करूँगा, मेरा पास ये लोगो है, मैं ये लोगो यहाँ पर सेट करने चाह रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी कूल लगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करते हुए बोल्ड करना चाहूँगा ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे, और ज़्यादा बड़ा करना चाहूँगा तो दिखने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, इस तरीके से आप एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो आपका डिज़ाइन का, आपका जो डिज़ाइन है आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए एक स्लाइड बनाया है। अब मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन के ऊपर जाऊँगा, डिज़ाइन के ऊपर दोस्तों देखिए इस तरीके से डिज़ाइन यूज़ करते हो आप, जहाँ पर इसका डिज़ाइन यूज़ करना आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउज से भी सेलेक्ट करते हो, आपका पास जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर स्लाइड साइज़ का साइज़ वगैरह भी बना सकते हो, ये भी मैंने पिछले वीडियो पर सब कुछ बता चुका हूँ दोस्तों, कस्टम स्लाइड साइज़ किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो इस तरीके का, और इस तरीके का वेबकैम जैसा आप जो भी चाहे तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके एडजस्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड वगैरह डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मेट बैकग्राउंड का आपके पास पिक्चर्स वगैरह है तो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। पिक्चर्स एंड टेक्सचर फील के अंदर जाकर यहाँ पर देखिए फाइल के अंदर ढेर सारे पिक्चर्स वगैरह मेरे पास है। मैं एक यहाँ पर पिक्चर्स यूज़ करना चाहूँगा ये वाला, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये वाला पिक्चर्स भी यहाँ पर सेट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। और यहाँ पर आपको पैटर्न वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर्स वाइज आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिर से ये वाला ही सेलेक्ट करूँगा, ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा। सॉलिड कलर आप चाहे तो यहाँ से सॉलिड ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हो। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर सब कुछ ये प्रोसेस बता चुका हूँ दोस्तों, अभी जाकर वो वीडियो देखिए और बाद में ये वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं ये क्लिक कर रहा हूँ और ये बैकग्राउंड फॉर्मेट यानी कि फॉर्मेट बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वीडियो देखिए, सब कुछ सेम ही होता है दोस्तों। पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर आपको डिज़ाइन ट्रांजेक्शन और एनिमेशन स्लाइड शो देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हो, यहाँ पर आप स्लाइड साइड यानी कि स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ढेर सारे ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो किस तरीके से ट्रांजेक्शन आया है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर नॉन आप किसी भी ट्रांजेक्शन लगाना नहीं चाहते हो तो यहाँ से नॉन कर सकते हो। और आपको मोशन या मोप टाइप का इस तरीके का ट्रांजेक्शन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेड यूज कर सकता हूँ, पुश यूज कर सकता हूँ, वाइप यूज कर सकता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। इस तरीके से आपको जिस तरीके से ट्रांजेक्शन पसंद है यानी कि यूज करना चाहते हो तो वही यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएगा। यहाँ पर कॉट ट्रांजेक्शन, रैंडम बार्स इस तरीके का, सेव्स वाले ट्रांजेक्शन, ऑन कवर, कवर फ्लैश, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते हो आप चाहे तो यहाँ पर देखिए और ज़्यादा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले छोटा से ऑप्शन के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ब्लेड से इस तरीके का आपका जो पसंद है यूज कर सकते हो। मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन आएगा। ट्रांजेक्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट है, आप चाहे तो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हो वही का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, लेफ्ट और राइट। इसका लेफ्ट और राइट आए स्विच पर। अब मैं इसको यहाँ पर इसको यूज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आया है। इस तरीके से आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन है, टॉप से आप यूज़ करना चाहते हो तो लेफ़्ट से, राइट से, जहाँ से आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम राइट, फ्रॉम बॉटम। इस तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आया है। अब आपको यहाँ से साउंड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट का ही साउंड है दोस्तों। यहाँ से आप इस तरीके का साउंड वगैरह यूज़ करते हुए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाऊँ तो इस तरीके का एक साउंड है। तो यहाँ पर देखिए साउंड भी बूम वाला प्ले हो चुका है। मैं यहाँ पर कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से कैमरा का साउंड है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ड्रम रोल का साउंड है, यहाँ से आप इस तरीके से साउंड भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं आपका ट्रांजेक्शन के ऊपर। मैं यहाँ पर साउंड का यूज़ नहीं करूँगा। अब आपको यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह यानी कि यहाँ पर 4 मिनट का ड्यूरेशन है, आप इसको ड्यूरेशन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम करूँगा ड्यूरेशन, कुछ इतना तक करूँगा। और यहाँ पर देखिए ऑन माउस क्लिक है, आप चाहे तो यहाँ पर माउस क्लिक करते हुए भी इसको ट्रांजेक्शन का प्रीव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू करने के लिए आपको यहाँ पर छोटा सा एक ऑप्शन दोस्तों स्लाइड शो के अंदर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से। मैं अब यहाँ पर माउस का क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आप कस्टमर्स को यानी कि क्लाइंट के ऊपर आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हो यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन के अंदर क्लिक करते। मैं यहाँ पर ऑन माउस क्लिक नहीं करूँगा तो आफ्टर यहाँ पर रहूँगा तो कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से प्रीव्यू होकर आएगा। तो मैं यहाँ पर मैंने इफेक्ट ऑलरेडी लगाया है इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आया। मैं यहाँ पर माउस का क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रेजेंटेशन होकर आएगा। मैं इसको ऑन माउस क्लिक यहाँ पर रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ, 3 सेकेंड के आसपास कर लेता हूँ। ऑन माउस क्लिक रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन का
इफेक्ट यूज कर सकते हो, यानी कि ट्रांजेक्शन प्ले कर सकते हो, स्लाइड शो कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ चुका है या ड्यूअल टेक अ कम्प्लीट प्लेटफॉर्म फॉर ई लर्निंग, और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा कंप्यूटर कोर्स बेसिक। मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया है दोस्तों, यहाँ पर भी मैं इसको ट्रांजेक्शन यूज़ करूँगा तो यहाँ पर इसको स्प्लिट टाइप का ट्रांजेक्शन यूज़ कर दूँगा, तो यहाँ पर इसको यूज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करते हुए इस दो के ऊपर यानी कि ये वाले स्लाइड के ऊपर क्लिक करते कंट्रोल ए करना है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो सेटिंग कर चुका हो वही सेटिंग पर आपको यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने ऑन माउस क्लिक का ऊपर यूज़ नहीं किया, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आया है। अब फिर से यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड होकर आएगा कंप्यूटर कोर्स बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग हार्डवेयर नेटवर्किंग। आप शायद इसको माउस का क्लिक करते हुए भी यूज़ कर सकते हो, माउस का क्लिक करते हुए आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आ चुका है, अब मैं इसको यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दूंगा और डेफिनेशन देने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, यानी कि डिजाइन और ट्रांजेक्शन का यूज करते हुए इस तरीके से प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। आप शायद इसको सारी को अप्लाई ऑल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर क्लिक करते हो अप्लाई ऑल कर सकते हो इस तरीके से, और आपको यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपको देखिए लेसन यानी कि एनिमेशन, एनिमेशन में कॉल के टॉपिक पर बताऊंगा दोस्तों। आज के टॉपिक पर मैंने डिजाइन और ट्रांजेक्शन का कवर किया है, यानी कि ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर चुका हूं दोस्तों। एनिमेशन थोड़ा सा डिफरेंट है यानी कि लंबा है, आप चाहे तो यहां पर एक एक का एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। आप यहां पर ढेर सारे शेप्स वगैरह बनाकर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो यहां पर आपको एक एक करके एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पिछले वीडियो पर आपको ये सब कुछ प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर परिवार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नई टॉपिक के ऊपर, तब तब के लिए नमस्कार दोस्तों।